नमस्कार, मैं हूं गौरव वशिष्ठ, आर्किटेक्ट एंड वास्तु कोच, फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट वास्तु प्राइवेट लिमिटेड। तो 16 दिशाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस एपिसोड में हम ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा के बारे में बात करेंगे। तो ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा, इसे वृष जो देता है वो रूल करते हैं। तो वृष का अगर हम मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग आता है मनमत। मनमत यानी कि मन को मतने वाला, स्टिमुलेट करने वाला। इसलिए जो हमारे ग्रंथ है विश्वकर्मा प्रकाश, उसमें इस जोन को चलनी का जोन भी कहा गया। यहां पे मतलब दही मथने का स्थान यहां पे प्रपोज करा जाता था पहले जोन, है ना। तो उसी की मॉडर्न डे में जो इंटरप्रिटेशन हुई वो एक ये चलनी का जोन हो गया, है ना। तो चलनी, जैसे आप कोई भी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आप कोई चिंतन करते हैं, तो आप इस जोन में बैठ के आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपकी इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में जनरली हमारे एक सेगमेंट्स हो, एक डोमेन होता है फॉल्ट डिटेक्शन का, जिसमें आप टेस्टिंग करते हैं किसी भी इक्विपमेंट की, वो आप इस जोन में प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई रिसर्चर है या फिलोसफर है जो रिसर्चर है, तो आप इस जोन में बैठ के आप रिसर्च कर सकते हैं। आपका जैसे कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो उसमें अगर आप लोगों को कोई किसी कंक्लूजन पे आप नहीं पहुंच पा रहे किसी भी एक मैटर पे, तो आप इस जोन में बैठ के आप डिस्कशन कर सकते उसको कंक्लूड करने के लिए, वो आपको हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ जो वृष का एक और मीनिंग आता है वो आता है कामदेव, ठीक है, यानी कि कामना को पूरा करने वाला। तो ये जोन अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये आपके जो भी कामना है, जो आपके मन की धारणा है, उसको सकारात्मक रखते हैं, ठीक है। अब इस जोन में आपको क्या अवॉइड करना है? इस जोन में आपको वॉशरूम यानी कि टॉयलेट अवॉइड करना है, स्टेयर केस अवॉइड करनी है, इवन बेडरूम भी आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, बिकॉज दैट कैन कॉज अनइजीनेस एंड एजिटेशन इन योर लाइफ। तो ये चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि बेडरूम आप इसमें बिल्कुल प्रपोज ना करें। अब इस जोन में आप क्या प्रपोज कर सकते हैं? देखिए, इस जोन में अगर देखिए, जैसे हमारा दही मथने का मैंने बताया कि विश्वकर्मा प्रकाश में ये दही मथने का स्थान था, तो यहां पर आप अपनी जो आपका किचन है ना, उसकी मिक्सर ग्राइंडर, उसका यूज आप इस जोन में कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप कोई रिसर्चर है तो आप अपना एक रूम बना सकते हैं, रिसर्च रूम बना सकते हैं जोन में। और अगर कॉर्पोरेट ऑफिस है तो उसमें मीटिंग रूम भी बनाया जा सकते हैं या कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया जा सकता है। अब इस जोन को हम स्ट्रेंथनिंग कैसे करते हैं? इस जोन की स्ट्रेंथनिंग के लिए देखिए, अगर फूड की हम बात करें तो आप नारियल के जो तेल होता है यानी कि कोकोनट ऑयल, उसका आप अपने फूड में यूज कर सकते हैं, मतलब उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इस जोन में स्ट्रेंथनिंग के लिए आप मिक्सर ग्राइंडर, जैसे मैंने बताया, उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अगर आप वो भी नहीं प्रपोज कर सकते तो एटलीस्ट कोई भी रूम आपका आ रहा है तो वहां पे आप एक ऐसा पोर्ट्रेट आप लगा सकते हैं जिसमें बेसिकली दही मथने का एक जैसे कोई पेंटिंग हो गई या पोर्ट्रेट हो गया, वो आप इस जोन में हैंग कर सकते हैं, वो भी इस जोन को स्ट्रेंथनिंग करेगा। तो इस तरीके से हमने जाना कैसे हम इस जोन को स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है और इस जोन के एट्रीब्यूट्स क्या है। नमस्कार।